हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड टुडेस वीडियो इज अबाउट प्रेपोजिशन। अब आता है विद। विद को हिंदी में बोला जाता है साथ। अब साथ को बोलने के लिए भी विद को बोलने के लिए भी मैं आपको दो एग्जांपल्स देती हूँ। दोनों में आप विद को अच्छे से यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई विल राइट विद द पेन, कि मैं एक पेन के थ्रू लिखूंगी। एंड सेकेंड आप यूज कर सकते हैं विद को I will go to the party with my sister. मतलब कि मैं पार्टी में अपनी सिस्टर के साथ जाऊंगी। तो इसी तरीके से आप विद को दो जगह पे यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ को डिस्क्राइब करना चाहते हैं या किसी ह्यूमन के, किसी इंसान के साथ को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट यूज किया पेन और अपने सिस्टर का यूज किया, सिस्टर वर्ड का यूज किया टू डिस्क्राइब विद। नेक्स्ट कम्स एप्ट। को आप फोर वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड जो पहला वे है, दैट इज टू डिस्क्राइब पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी निश्चित समय को डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज कर सकते हैं द प्रेपोजिशन एट। जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि मैं शाम के 4 बजे में मीटिंग में आऊंगा। आई विल कम टू मीटिंग एट 4 PM। सेकेंड आप इसको यूज कर सकते हैं किसी छोटी जगह को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारा बस स्टॉप पे इंतजार किया। आई वेटेड फॉर यू एट बस स्टॉप। हियर बस स्टॉप इज अ स्मॉल प्लेस, इसीलिए आपने वहाँ पे यूज किया एट प्रेपोजिशन। एंड द थर्ड वे जहाँ पे आप एट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज टू डिस्क्राइब नून और नाइट। ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि मॉर्निंग और इवनिंग के लिए आप एट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि ओनली नून और नाइट को डिस्क्राइब करने के लिए आप एट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं ज्यादातर रात को पढ़ती हूँ, मोस्टली आई स्टडी एट नाइट। अगर तो आप नाइट को नून के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, जैसा कि यू कैन स्पीक आई मोस्टली स्टडी एट नून। एंड द फोर्थ वे जहाँ पे आप एट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज यूज टू डिस्क्राइब रेट ऑफ समथिंग। जैसा कि आप बोल सकते हैं कि मैंने एप्पल्स को 60 rupees पर केजी पे खरीदा। आई बॉट एप्पल्स एट ₹60 पर केजी। एज यू हैव सीन दैट वी हैव यूज्ड द एट इन फोर वेज। फर्स्ट इज टू डिस्क्राइब द पॉइंट ऑफ टाइम, सेकेंड इज टू डिस्क्राइब अ स्मॉल प्लेस, थर्ड इज to describe night or noon, and the fourth is to describe rate of something. Then comes by. By का मतलब होता है द्वारा। By को भी आप तीन तरीकों से use कर सकते हैं। And the first way is जब आप किसी इंसान के द्वारा इसको explain करना चाहते हैं, जैसे कि आप कहना चाहते हैं मेरी मदद मेरे sister के द्वारा की गई। I was helped by my sister. सेकेंड मेथड, सेकेंड वे जहाँ पे आप बाय को यूज कर सकते हैं, इट इज कि बाय अ व्हीकल, मतलब किसी वाहन के द्वारा। जहाँ पे ये सेंटेंस हिंदी में आए वहां पे आप बाय को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम बाय ट्रेन। एंड थर्ड आप यूज कर सकते हैं जब आपको टाइम को डिस्क्राइब करना है, मतलब किसी समय तक इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए आपको बाय का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहना चाहते हैं कि मैं आपको मीटिंग में ज्वाइन करूंगा 4 बजे तक। आई विल ज्वाइन यू इन द मीटिंग बाय 4 o'clock। सो इन दिस मेथड यू कैन यूज द वर्ड बाय। सो द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम। फ्रॉम को हिंदी में बोला जाता है से। फ्रॉम को आप 3 ways में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द फर्स्ट वे इज प्लेस। जब भी प्लेस की बात आए, एंड यू कैन यूज देयर फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, आप कहना चाहते हो मैं कल दिल्ली से आऊंगा। आई विल कम टुमारो फ्रॉम दिल्ली। एंड सेकेंडली आप इसको यूज कर सकते हो टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एग्जाम्स मंडे से स्टार्ट होंगे। आर एग्जाम्स विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। थर्ड आप इसको यूज कर सकते हो फ्रॉम एनी सोर्स, मतलब किसी स्रोत को डिस्क्राइब करने के लिए आप फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि मैंने अपना चैप्टर इंटरनेट से लर्न किया। इन इंग्लिश यू कैन से आई लर्न्ड माय चैप्टर फ्रॉम द इंटरनेट।
So, इसी तरीके से यू कैन यूज द फ्रॉम इन थ्री वेज, प्लेस, टाइम एंड सोर्स. देन कम्स इन. हिंदी में इनको बोला जाता है ने. सो इनको भी हम थ्री वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहला वे इसको इस्तेमाल करने के लिए वो है जब आप किसी बिग प्लेस को डिस्क्राइब करते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहना चाहती हूँ कि मैं पंजाब में रहती हूँ, एंड आई कैन से आई लिव इन पंजाब. सो हियर इन दिस सेंटेंस पंजाब इज अ बिग प्लेस, तो मैंने पंजाब को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेपोजिशन यूज किया इन. सेकेंड चीज, सेकेंडली आप इनको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज इट टू डिस्क्राइब मंथ और ईयर. जैसे कि आई कैन से आई टुक बर्थ इन जनवरी. थर्ड, आप इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज इट जब आप किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि कोई चीज उस ऑब्जेक्ट के अंदर है. फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पेंसिल्स बॉक्स के अंदर है. पेंसिल्स आर इन द बॉक्स. सो इन दिस वे यू कैन यूज द वर्ड इन इन थ्री वे. दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.